और खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है, जहां पर नेपा नगर जिले में जंगलों की कटाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जंगल कटाई और पुलिस टीम पर हुई हमले के बाद अब पुलिस की कार्रवाई की जद में एक आदिवासी महिला नेता का नाम भी सामने आया है। दरअसल जंगल की कटाई को लेकर पुलिस की टीम ने 60,000 के इनामी अतिक्रमणकारी सूडिया को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के बाद उसने कहा कि नेपा नगर क्षेत्र में जंगल कटाई के पीछे माधुरी बहन का हाथ है। माधुरी बहन जागृत आदिवासी दलित संगठन की मुखिया है। सूडिया जंगल में आयोजित कई सभाओं में शामिल हुआ है, जिसमें माधुरी बहन ने छोटे पेड़ों को कटाई से शुरुआत करने की बात कही थी। इसके साथ ही सूडिया का दावा है कि नेपा नगर थाने पर हमले के बाद सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी माधुरी बहन ने दिया था। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जंगल में हुई सभाओं के ड्रोन इमेजेस भी उपलब्ध है। जांच में यदि यह बात सही पाई जाती है तो माधुरी बैन और उनके अन्य साथियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, हम उसके मीटिंग में गए थे, कुलसिंग और वेश्या और लीलाराम। तो माधुरी ने बोला था कि छोटे छोटे झाड़ काटना, बड़े मत काटना, लेकिन इन पटलों ने पूरे पूरे बड़े बड़े झाड़ कटवा दिए, सारे जंगल खत्म करवा दिए। जी सर, मदद तो माधुरी बहन मुझे बोल रही थी कि जो भी हमारा सेल्फी बनेगा वो हम करेंगे। हाँ, सूर्या को पकड़ने के बाद में जब हमने उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया गया कि जब अक्टूबर में ये वन कटाई स्टार्ट हुई थी साईखेड़ा पानखेड़ा की, तो उसके पहले इन्होंने माधुरी बहन के तीन एक सभाएं जो है वो अटेंड की है। फूल सिंह, रेव सिंह, सूर्या, हेमा वगैरह सब लोग गए थे और 600-700 लोग थे जिन्होंने उनकी सभाएं अटेंड करी। और उस सभाओं में माधुरी बहन ने ये बोला भी है, जनरली माधुरी बहन की सभाएं जो है वो जंगल के अंदर सभी के फोन वोन बंद करवा के और बहुत ही छुपी छुपाई कंडीशन में होती है, इस तरीके से उसने बताया।